देखिए आज बहुत ही अच्छा डे है मेरे लिए कि मैं एक ऐसा आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, और आप तो जानते ही, आइटम सॉन्ग की शुरुआत ही मैंने करी बॉलीवुड में, इतने सारे गाने किए, बट आज स्पेशली ये आइटम सॉन्ग जो वीडियो कम आइटम सॉन्ग है, मेरी फ्रेंड है मंदा किनी, वाह स्वीट हार्ट है मेरी, और इन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन इन्होंने इस बार स्पेशली ये सॉन्ग मेरे लिए गाया है, छप्पन छुरी। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप में मेरे लिए क्यों एक से एक आइटम गर्ल है बॉलीवुड में, तो बोलता नहीं ये गाना तो मैंने आपको नज़र में रख के गाया है, और छप्पन छुरी मैं हूँ सबसे, मैं हूँ छप्पन छुरी, मेरी नजरें बुरी, मैं नैनो से मारू, मैं नैनो से मारू कटार रे, मैं गा के दिखाऊं, हाँ चलो गाएंगी, ए छप्पन छुरी मेरी नजरें बुरी, मैं नैनो से मारू कटार रे, कम सिन कमरिया लरज लरज जावे में, दो धारी तलवार रे, हो कोई बच ना सका। यूपी बिहार का हाँ यूपी बिहार का, क्योंकि ये गाना जो मैंने बनाया लास्ट वन ईयर से, मैं सोच रही थी कि मुझे एक आइटम नंबर करना है, जितने भी अभी तक हुए हैं उसके तकड़ के कुछ कर पाऊँ काम, और सबसे बड़ी बात है राखी जी मेरे बहुत फेवरेट है, और जब से परदेसिया करी है तब से लेकर मेरा सपना है कभी किसी दिन मैं राखी जी के साथ एक गाना बनाऊँगी, और लिरिसिस्ट दीपक नूर जी को भी मैंने बोला कि इनको सोचते हुए गाना लिखना है, ऐसा गाना लिखना है, और तो इन्होंने ऐसा गाना लिख दिया कि मैंने मेरे लटके झटके से यूपी और बिहार दोनों को बेच दिया, और इस गाने को मतलब चार चांद लगा दिया जावेद जी ने, हाँ जावेद जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, और मेरी सिस्टर है और ये राखी जी के साथ ये भी थोड़े से आजू बाजू के शहरों को हिला रही है, यूपी बिहार तो मैं हिला रही हूँ अपने ठुमकों से, अड़ोस पड़ोस में और दूसरे शहर बाकी होंगे वो हिलाएगी, और संजय भाई जो है ना इतना बढ़िया, मैं क्या हाँ मतलब ये संजय जी कोरियोग्राफर है, राजीव खेंची जी डायरेक्टर है, और सबसे हॉट एंड सिजलिंग जो मुझे खूबसूरत दिखाने वाले हैं, कहाँ गए हमारे डीओपी अकरम खान, कहाँ चले गए बता नहीं, अकरम खान जी आप कहाँ चले गए, अच्छा और अभी यूपी और बिहार को हिलाने के लिए तो हमने सोचा क्या लाए, मेरे ठुमके तो है ही है, तो हमने सोचा कि अमित जी को हम साइन करेंगे, और शत्रु जी बिहार से हैं, अमित जी यूपी से हैं, तो शत्रु जी भी हमारे साथ हैं, अमित जी भी हैं, और अपने ठुमकों से यूपी और बिहार को मैं पूरा लूट लूँगी, तेरी याद में चल कर देख लिया, तेरी याद में चल कर देख लिया, अब आग में जल कर देखेंगे, जो होना वो हो जाएगा, अब राखी जी के साथ चल कर देखेंगे, बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ तो लेटना पड़ेगा, मतलब के यू नो ये डांस करना, अब हम अलग अलग पूरा स्टेप्स करने हैं, जी हम तैयार हैं, नहीं नहीं ये टोटली रियल है, ये ओरिजिनल लिरिक्स है, दीपक जी ने लिखा है, ओरिजिनल म्यूजिक कंपोजिशन, बाय द वे लिरिक्स में शीला मुन्नी भी है, हाँ शीला और मुन्नी भी है, शीला मुन्नी का एक लाइन भी, दोनों पानी भरने गई है, मैंने बताओ गा के बताओ, मुन्नी रे शीला भर आके पानी, आई है ससुरी राखी की जवानी, जी एक्चुअली मैंने अमित जी को फ़ोन किया था, और जो रियल अमित जी हैं, और शत्रु जी को भी फ़ोन किया था, उनके अकाउंट में जो भी उनका जो भी शूट का रहता है वो तो मैंने डलवाई दिए थे, मैंने उनकी टिकट्स भी करवा दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आज सुबह उनकी अमित जी की फ़्लाइट मिस हो गई, और शत्रु जी को फ़ोन आया कि राखे आई एम सॉरी, हाई खामोश सॉरी मुझे आज लूज मोशन हो रहा है, तो शत्रु जी को लूज मोशन हो गया और अमित जी की फ्लाइट मिस हो गई, तो भाई मुझे तो गाना करना है क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर के इतने पैसे लगे हुए हैं, कोरियोग्राफर है, डायरेक्टर है, इतने पैसे लगे हुए, तो देखो राज कपूर साहब ने क्या कहा था, कुछ भी हो जाए शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, क्या बोला था उन्होंने, क्या हाँ शो मस्ट गो ऑन, तो भाई असली नहीं आया तो हमारे पास नकली आए, ये भी किसी से कम थोड़ी ना है, देखो क्या कमी है इनमें, जरा सर डायलॉग अपना हो जाए, चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस आग से बने बारूद उसे राखी जी कहते हैं, तो देखिए ऐसा है काम रुकना नहीं चाहिए, बट अमित जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो मेरे आइडियल है, शत्रु जी की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि वो सबको खामोश करते हैं, बट अब वो नहीं आए तो क्या हुआ, उनके ही भाई आए हैं,
तो ये गाना तो चलता रहेगा और ये गाना बहुत ही सुपर हिट होगा। मुझे शत्रु जी के राजनीतिक करियर पर कुछ नहीं मालूम, पहले आप मेरे ठुमके की बात कीजिए। अब बात करोगे आप क्या क्या डायलॉग, मतलब इसमें कैसा क्या कर रहे हो बोलो, सारी बातें मुझसे करवाओगे क्या? हमारे प्रोड्यूसर मंदाकिनी जी, सिंगर प्रोड्यूसर दोनों भी, और ये गाना मेरे पास लाया था मेरी राखी जी, मेरे सिस्टर मानते हैं, मेरी प्यारी बहन है इंडस्ट्री की, मेरी चाही थी। तो ये जो गाना है, जो मैंने सुना है गाना, तो मुझे वो गाने में जो उन्होंने सोचा मंदाकिनी जी, परदेसी यहाँ से सोच क्या रहे हो, तो कुछ तो सोचा है। तो जो मेरी राखी जी जो उसमें चांद चांद लगाया, अभी तो आप लोग देख रहे हैं मीडिया वाले, जो मेरी राखी जो कर रही है, पहली बार मास्टर जी मुझे 10 पेयर्स ऑफ घाघरा चोली चेंज करा रहे, और आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा किसी भी लड़की ने, किसी भी हीरोइन ने एक गाने में 10 जोड़ी कपड़े चेंज किए होंगे। तो हर एक यू नो ठुमके पे मेरे 10 घाघरा चोली जो है वो चेंज हो रहे हैं जी, हर मुखड़े पे, हर पहले अंतरे पे, सेकेंड अंतरे पे, म्यूजिक पीस पे, अभी शोल्डर और प्रॉप्स अभी चेंज होने वाला है, एक एक शॉट पे, कभी साइकिल्स, हमारे जितने रिक्शा है, बहुत अलग प्रॉप्स मैंने मंगाया है, अब ये ड्रेस पे प्रॉप्स भी बैकग्राउंड चेंज होएगा, और बहुत लाइविश शूट कर रहे हैं हम लोग, मतलब आग पानी रिक्शा सब, सब यूपी बिहार जितना भी है हम सबको लूट लेंगे, मतलब ये गाना बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बजट तो कॉस्ट्यूम का ही हुआ, और आप मेरा कॉस्ट्यूम कितना अच्छा लग रहा है आप देख ही रहे, आजकल कॉस्ट्यूम का ही ज़माना है। अरे मेरा तो छोड़ो, ये हमारी देखो सिंगर कितनी हॉट लग रही है, ये चाय से ज्यादा किटली गरम है देखो। क्योंकि हॉट है, इतनी अच्छी सिंगर तो मैंने नहीं देखी आज तक। नहीं, सब एंजॉय करेंगे, बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री को बहुत अच्छा लगेगा, हमारे राखी जी चांद चांद लगा रहे, सभी सभी हमारे इंडस्ट्री, हमारे जनता को बहुत पसंद आएगी हमारे लटके जट, बहुत लटके जट अलग ही वो डिफरेंट ही, उन्होंने गाया भी, नीतीश कुमार जी हम पे केस तो नहीं कर देंगे, क्यों 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 करेंगे, हमने यूपी और बिहार सब लूट लिया, पता नहीं उनको पता, ठुमके से नहीं नहीं, राखी जी ओनली वन एंड ओनली पूरे हिंदुस्तान में, ओनली हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में मेरी बहन, वर्ल्ड में, एक्सक्यूज मी इफ यू गो टू लंदन, लंदन में सिर्फ दो लोगों को ही जानते हैं, किस किस को भाई बोलो, एक क्वीन को और एक राखी को, पूरे वर्ल्ड में। हाँ जी, क्या जो बीमारी आई हुई है ठुमके की बात कर रहा हूँ भाई, मेरे ठुमकों के बीच में बीमारी को कहाँ लेकर आया। देखिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ठुमके और सब कुछ बॉडी हिलाना मेरा काम है, बीमारी आ रही है वो तो दो दुख की बात है। मोदी जी क्या कर रहे हैं इलेक्शन में, मैं तो जीत के नहीं आई ना भाई, वो नीतीश जी संभाल लेंगे, रवि किशन जी है, मनोज जी हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए, अमित शाह जी और मोदी जी वो संभाल लेंगे, मेरा तो काम है लूटना और लुटाना है, तुम जानबूझ के मेरे से ऐसे सवाल करते हो। मेरा तो ये वीडियो बन रहा है छप्पन छुरी, हम इसे टी सीरीज या कोई और बड़ी कंपनी में रिलीज़ करेंगे, हमारी बातें चल रही है भूषण कुमार जी से, और बहुत ही मेहनत करी, आप देख सकते कितना बड़ा सेट लगाया हमने, क्योंकि आई लाइक टू थैंक्स माई प्रोड्यूसर एंड सिंगर मंदाकिनी जी के, इन्होंने मुझे सोचा और इन्होंने मुझे एकदम कहा कि राखी जो खर्चा हो करेंगे, बहुत ही मतलब लैविश करेंगे, अच्छा सेट लगाया, 40-50 डांसर, आप तो 50 डांसर लिए हैं, फिर कैरेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत ही सब कुछ अच्छा किया भाई, बीमारी उमारी की बात मत करो प्लीज, लैविश शूट हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग अच्छे हो जाए जल्दी हॉस्पिटल में जाके। किसको ट्रोल किया गया, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ट्रोल करना चाहिए सानिया मिर्ज़ा को, अभी वो शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया, तो उसको शांति से जीने देना चाहिए एक फीमेल को। सो क्या हुआ कि वो शी वॉज रिप्रेजेंट कर रही थी हमारे इंडिया को, एंड ये ट्रोल नहीं करना चाहिए, हम ऑलरेडी मैच जीत चुके हैं और पाकिस्तान के प्लेयर ऑलरेडी पिज़्ज़ा खा रहे हैं और रो रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों में जान, तुम लोग बस प्लीज मुझे अपने ठुमके लगाने दो, यूपी बिहार को लूटने दो, गाने के लिए बात, हाँ चलो गाने के लिए बात करो, गाने के इतने खूबसूरत तरीके से जो राखी जी ने ठुमका लगाया, तो आप बोलिए कि पूरे यूपी बिहार कहाँ कहाँ जाएंगे राखी जी इस गाने के साथ, सबके साथ ठुमका लगाने, और डेफिनेटली नीतीश जी वहाँ पे हैं, सब लोग हैं, मोदी जी हैं, तो सबका ख्याल रखेंगे, मोदी जी है तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, चलो नमस्ते, thank you everybody, thank you, god bless you, chalo thank you, god bless।